युवा समाज सेवी एवं भाजपा युवा नेता मनोज टेमरे वाराणसी में कटंगी विधानसभा में हो रहे धार्मिक आयोजनों में सम्मिलित होकर बढ़ा रहे ग्रामवासियों सहित युवाओं का मनोबल। इसी कड़ी में कटंगी विधानसभा के ग्राम पौनिया में चल रही भागवत कथा में सम्मिलित होकर ग्रामवासियों के साथ अपने विचार साझा करते हुए युवा नेता श्री मनोज टेमरे ने यह भी बताया कि आप लोग कथा सुनकर उसका अनुसरण भी करें, क्योंकि हमें भ्रमित करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन ज्ञान देकर अनुसरण करने वाले लोग कम हैं। इसलिए आप सभी बहनों और माताओं से विनम्र अनुमोदन करता हूं कि आप सभी लोग 7 दिन इस कथा का आनंद लें और इसका अनुसरण करें। क्या 7 दिन की भागवत कथा हुई, आपने सुना समझा, पर मैं आपसे निवेदन करता हूँ, सुनना समझना में भागवत पूर्ण नहीं होती, सुनना समझना और उसे अपने दैनिक जीवन में अपनी दैनिक क्रियाओं में गणना उसके अनुसार चलना, तब जाके इस आयोजनों का जो पूर्ण उद्देश्य है वो पूर्ण होता है। आज यहाँ पर श्रद्धेय गुरुदेव हैं, वो अपने वाणी से अपने विचारों से आपके जीवन को पूर्ण करने के लिए कई सारी बातें भी रखेंगे, वो गीतों के माध्यम से होगी, संगीत के माध्यम से होगी, व्याख्यान के माध्यम से होगी, पर यहाँ पर सुने और यहीं पर छोड़ के जाने से कोई मतलब नहीं है। ना इस आयोजन का अच्छा कुछ भी उद्देश्य निकलेगा और ना ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य निकलता है, उसे सुनना समझना और अपने जीवन में धारणा रखना। क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूँ, आज के समय में हमें अपने सनातन हिंदू धर्म की रक्षा करने का पीड़ा उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी कई सारी विदेशी ताकतें हैं, ऐसे कई अधर्मी लोग हैं जो हम लोगों के बीच में घुसपैठ कर चुके हैं, हमें हमारे सनातन हिंदू धर्म से तोड़ने का काम कर रहे हैं, हमें हमारी ही रीति रिवाजों से, हमारी पूजा अर्चना से, हमारी देवी पूजा से, हमारी प्रतिमा पूजा से काटने का काम कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं। और मैंने देखा है कि आज के समय में हमारी जो हिंदुओं की ताकत को अगर तोड़ने का काम किया जा रहा है, तो कई ऐसी विदेशी ताकत है, कैसे ऐसी षड्यंत्रकारी है जो नाना एजेंट के प्रकार से आप लोगों के बीच में आते हैं, आपको भ्रमित करने का काम करेंगे, आपको भलाने का काम करेंगे। पर मेरा आपसे निवेदन है, ऐसे अगर जिस ग्राम में अगर आयोजन होते हैं, तो निश्चित तौर पे हमारा सनातन हिंदू धर्म बढ़ रहा है और निश्चित तौर पे बढ़ेगा। तो हमें अपने धर्म को छोड़ना नहीं है, हमें अपनी रीति रिवाजों को छोड़ना नहीं है, हमें अपने देवी देवताओं को घर से नहीं निकालना है, हमें अपनी कुल देवी कुल जो हमारी जो रीति रिवाज होती है, जो पूजा अर्चना होती है, जिसे हम चौरी कहते हैं, उसे अपने घर से फेंकना नहीं है। अपने घर में भारतीय संस्कृति सभ्यता और हिंदू धर्म का पालन करने के लिए निरंतर आगे बढ़ना है, निरंतर आगे बढ़ना है, तब जाके ऐसे आयोजनों का जो उद्देश्य है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।